अभय सिंह जी, आज उताना में रैली थी, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है जी? आज चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन था, जिसे हमारी पार्टी सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। आज लाखों लोग आए थे और आज लाखों लोगों ने एक मैसेज दिया है पूरे प्रदेश में कि अब हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और कांग्रेस और भाजपा जो किसी गलतफहमी के शिकार है, आज उन्होंने लाइव देखा है सबने, आज सबके होश उड़े हुए हैं। गठबंधन भारी बहुमत के साथ जीत करके सत्ता में आएगा। अभय सिंह जी, हुड्डा साहब भी आ चुके हैं, दीपेंद्र साहब भी आ चुके हैं और शैलजा जी भी यहाँ पर जिले में आ रही है, क्या कुछ कहना? यहाँ पे मोदी जी भी आए थे, यहाँ पे अमित शाह भी आए थे, यहाँ हुड्डा पिछली बारी जब मैं बाई इलेक्शन लड़ रहा था तब भी आया था, मुख्यमंत्री रहते हुए भी आया था, मनोहर लाल खट्टर भी आया था। इलाहाबाद के लोगों को, इन लोगों को जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। सर, अकेला इलाहाबाद नहीं, पूरा सरसा जिला अब की बार इनको बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाएगा। शैलजा की कोई मजबूरी हो सकती है? शैलजा तो कांग्रेस में बहुत अपमानित की गई है। शैलजा को मुझे लगता है हाईकमांड ने कहीं ना कहीं ये कह करके रोका है कांग्रेस में कि मुख्यमंत्री के पद का जब फैसला होगा तब शैलजा जी हम आपके नाम पे विचार कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं, ये हुड्डा जो रोज अपने आप मुख्यमंत्री के खबाब लेकर के रोज सोता है, पहली बात तो कांग्रेस आएगी नहीं, और ये कोई कहीं गलती से सूत बैठ गई तो हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये पक्का है, वायरल हो रही धमकियां हर जगह वायरल है। आप ये देखो, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके कांग्रेस के लोग, ये बौखलावट की निशानी है। जो गालियां देते हैं, जो धमकियां देते हैं, जो किसी को अपमानित करते हैं, जिनको इस बात की समझ अक्ल नहीं है कि हम अपनी माताओं और बहनों के लिए क्या कह रहे हैं, दलित समाज के लिए क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को मतदाता अब बहुत शाणा हो चुका है। अब बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बच्चे जब इस तरह की चीजों को वायरल होते हुए देखते हैं, वो घर में जाकर के अपने माँ बाप से जरूर शेयर करते हैं इस बात को कि हमें ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, ऐसी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए जिसमें अनुशासनहीनता है, जिसमें संगठन की कमी है।